So this is the second day of Mission 40 Plus. Good evening, friends. Welcome to your own channel, The Humble Guy. Let's begin. Hope कि आपकी preparation अच्छी चल रही होगी. कल हमने polity के कुछ questions cover किए थे. देखिए time बहुत कम है, तो I am covering the question examination point of view को लेकर ही सामने मैं cover करता हूँ. तो आज हम फटाफट देखेंगे national park और sanctuaries. सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी टीम को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है. मैं हमेशा अपने स्लाइड्स में ज़रूर बताता हूँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी. ये बहुत बड़े जानकार थे, चिड़ियों की आवाज़ ये समझ लेते थे. बर्ड सेंचुरी जो है गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है. ये हुआ, पढ़ते हैं आगे. देखिए ये जो पहले मैं दो स्लाइड्स दूंगा ये वो कंजर्वेटिव हैं जो किसी भी एग्जाम्स में आते हैं और आपको याद होंगे बचपन से पढ़ पढ़ के. ठीक है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. और एक बात बता दूं, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में अंतर क्या होता है, बहुत पढ़ते तो हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा. नेशनल पार्क का लेवल जो है वो सेंचुरी से ऊपर होता है. नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से बनाई जाती है और सेंचुरीज जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है. नेशनल पार्क के आसपास बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, कोई जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके आसपास जो ह्यूमन गतिविधियां हैं वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, बल्कि सेंचुरीज में थोड़े लिमिटेड में वो हो सकती हैं. ठीक है, तो ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया. अब यहाँ फटाफट देख लेते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्क हैं जो आपको याद होंगे. जिम कॉर्बेट पहला नेशनल पार्क था उत्तराखंड, काजीरंगा असम, बांदीपुर कर्नाटका, बनरघट्टा कर्नाटका, दुधवा उत्तर प्रदेश, गिर गुजरात, कान्हा मध्य प्रदेश. गिर लायंस के लिए फेमस है, काजीरंगा राइनोस वन हॉर्न राइनोस के लिए इट्स फेमस, पन्ना मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, पेरियार केरला, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं उत्तराखंड को. ये आप ये अगर आता है सब्रिक्यूट तो ये आप लिख सकते हैं उत्तराखंड. और सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड फेमस है वो वेस्ट बंगाल. ये तो हो गए कंजर्वेटिव वाले. अब नेक्स्ट टू स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछले दो साल में इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स में विच आर कंडक्टेड बाई IBPS उनका एक क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से उन्होंने जो दिया है, तो हो सकता है रिपीट आ जाए. देखते हैं, बालफक्रम मेघालय, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, बेतला झारखंड, भितरकनिका ये शायद पिछले साल का है, NIACL में आया था, उड़ीसा, बक्सा वेस्ट बंगाल, ये एक टाइगर रिजर्व है, दच्छीगाम जम्मू एंड कश्मीर, डिब्रू साइखोवा असम. डिब्रू जो है डिब्रूगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर वो आपको याद है तो डिब्रू साइखोवा असम आप बोल सकते हैं. सेकंड स्लाइड देखते हैं, गंगोत्री उत्तराखंड. देखिए किसी भी आंसर को देने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भी चाहिए. आपको पता है गंगोत्री कहाँ ऊपर हिमालय से निकलती है, तो अगर ऑप्शन में उत्तराखंड कर्नाटक मेघालय और आंध्र प्रदेश दिया तो ऑब्वियसली उत्तराखंड ही होगा. गोरुमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, गिंडी तमिलनाडु, इंद्र किला हिमाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़. अब इंद्रावती नदी जो है शायद वो उड़ीसा में और इंद्रावती पार्क जो है छत्तीसगढ़ में, देखिए कितना कंफ्यूजन है. केवलादेव राजस्थान, कुद्रेमुख कर्नाटका, ये हो गया. अब हमारे हिसाब से जो लगता है कि इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिजी है वो एक बार देख लेते हैं. तो उसमें चंदोली महाराष्ट्र, एराविकुलम केरला. अब देखिए जो कुलम लास्ट में आता है वो केरला होगा, और जो पट्टनम अट्टनम इस टाइप का कुछ अगर आता है तो वो तमिलनाडु होगा. ठीक है, थोड़ा सा, और जैसे ये पारा कहीं पे आता है, पारा मतलब इलाका होता है, वो वेस्ट बंगाल होगा. ठीक है, कुछ भी पारा आता है, गोरुमारा, जल्दा पारा, ये सब वेस्ट बंगाल होगा. गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, जल्दा पारा वेस्ट बंगाल, कालेसर हरियाणा, केबू लामजाओ मणिपुर, संजय गांधी महाराष्ट्र. संजय गांधी के नाम से जो पार्क है वो महाराष्ट्र में, और अगर सिर्फ संजय नेशनल पार्क आता है तो वो छत्तीसगढ़ लिखिएगा. ठीक है, ये कन्फ्यूजन है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र और संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़. इस तरह के जो नाम आते हैं ना, लामजाओ, नेक्रॉक, ये आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के ही है, तो उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन होगा उसे आप टिक करिएगा. इसके बाद नागरहोल कर्नाटका, नमेरी असम, औरंग असम, राजाजी उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरला, सिमलीपाल बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये उड़ीसा, वन विहार मध्य प्रदेश. जो एकदम शुद्ध हिंदी नाम होंगे ना वो या तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान से होंगे. इसके बाद टाइगर रिजर्व देख लेते हैं. पिछली बार ये एग्जाम में मैंने बताया बहुत सारे फ्लाइट्स में, अचानक मार छत्तीसगढ़, ये आया था आई थिंक IBPS एग्जाम में, मानस असम, मेलघाट महाराष्ट्र, नमधाफा अरुणाचल प्रदेश, मैंने बताया ना लामजोय, नमधाफा, नोकरेक, इस तरह के नॉर्थ ईस्ट में ही है, तडोबा महाराष्ट्र, दम्फा, ये देखिए फिर आया नमधाफा, दम्फा, नमधाफा जो अरुणाचल प्रदेश में और दम्फा जो है वो मिजोरम में है, कवल तेलंगाना. ठीक है, नेशनल पार्क सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व हमने देख लिया. तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सेकेंड डे की वीडियो, और आप इसे मेटिकुलसली देखिएगा और याद कर लीजिएगा. तो कुछ इसमें आपको याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि एक दो एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है. ठीक है, इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सो दैट यू विल गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेन वी आर अपलोडिंग अ न्यू वीडियो. एंड
मैं हमेशा बताता हूँ, आई ऑलवेज फील योर सक्सेस इज माई सक्सेस। ठीक है, मेहनत करते रहिए, अभी भी 9-10 दिन है, काफ़ी कुछ हो सकता है। कल लेके आऊँगा आपके लिए वीडियो कैपिटल एंड करेंसी पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। अभी हमें डिटेल स्टडी नहीं करनी, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम क्लियर करना है। मैंने जैसे कल भी कहा था, एक स्टेज आप क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड स्टेज क्लियर कर लीजिए, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो अंत में वही दो शब्द कहना चाहूँगा कि अगर मेरे हौसलों की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर मेरे हौसलों की उड़ान को देखना चाहते हो, तो अपने आसमान को थोड़ा और ऊंचा कर लो। ऑल द बेस्ट, कीप अप द मोमेंटम। सो फॉर द टाइम बिंग इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, गुड नाइट एंड गुड बाय।